दोस्तों, कई सारे लोगों का सपना होता है कि रेलवे में जॉब करें, रेलवे में टिकट कलेक्टर टीटी या टीसी बने। इसके लिए जी जान से पढ़ाई और मेहनत भी करते हैं, लेकिन इस कंपटीशन के ज़माने में रेलवे में जॉब मिलना भी मुश्किल हो गया है। कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों, हर क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ गया है। अब साधारण से साधारण जॉब भी बड़े मुश्किल से मिलता है। फ्रेंड्स, दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 100 पोस्ट के लिए हजारों आवेदन किए जाते हैं। अब ऐसे में कोई नौकरी मिलना आसान थोड़ी ही है। दोस्तों, आज के समय हमें किसी भी क्षेत्र में नौकरी चाहिए तो हमें कंपटीशन जीतना होगा, तभी हम नौकरी पा सकते हैं। कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। अगर गोल टफ होगा तो मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, लेकिन आपको मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना होगा, तभी आपकी जीत होगी। फ्रेंड्स, अगर हम टीसी बनने जा रहे हैं, टीसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो उसके कार्य भी जान लें कि क्या वर्क करता है टीसी। अगर आप ट्रेन में कभी भी सफ़र किए होंगे तो ज़रूर टीसी के कार्य जानते होंगे। चलिए मैं कुछ गिना देता हूँ। जैसे है टिकट कलेक्टर होते हैं टीसी, टिकट चेक करता है टीसी, और सीट कंफर्मेशन करता है, यानी सीट कंफर्म करता है। अगर आरएसी रहती है तो उसमें आके सीट हमारी कंफर्म कर देता है। अब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होता है टीसी के लिए? यदि आप टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आप में ये योग्यता होनी चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है फ्रेंड्स कि भारत का नागरिक होना आपको ज़रूरी है। सेकंड है कि आप 12th कंप्लीट हो, आपका 12th कंप्लीट हो। और इसमें एज की बात करें तो 18 से 30 रहता है, यानी कि 18 से 30 एज ली जाती है इसमें। अब रेलवे टीसी के लिए आवेदन कैसे करें, बहुत लोग पूछते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम बता दे रहे हैं, अगर आपके पास योग्यता है जो मैं ऊपर बताया हूँ, तो आप रेलवे टीटी रिक्रूटमेंट वैकेंसी जब निकालती है तो उसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, टीसी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि एग्ज़ाम कैसे होता है, तो इसे 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप है दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम, इसमें आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ता है, लिखित देना पड़ता है। और सेकंड होता है मेडिकल टेस्ट, आपकी पूरी बॉडी का टेस्ट होता है, आपके कुछ उसमें टेस्ट किया जाता है। और थर्ड पे आता है इंटरव्यू, जिसमें आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम, तो सिलेबस की बात करते हैं कि टीसी में कौन से सिलेबस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स पहला है जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, और टेक्निकल एबिलिटी और अर्थमेटिक, ये कंप्लीट मिला के टीसी में पेपर बनते हैं और इसी से आते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, टीसी के एग्जाम पर को पास करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो कई सारे एग्जाम जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके द्वारा ये बताया गया है। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि अपना आप जीके स्ट्रॉन्ग करें फर्स्ट, और करंट अफेयर्स पे ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके कोर्स से संबंधित हो, जो आपके सिलेबस से संबंधित हो, उस पे ध्यान दें। न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहेंगे तो एक आपके अंदर एक अलग से उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, धीरे धीरे आपके आपको अपने सिलेबस के बारे में नॉलेज होते जाएगा। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर 4-5 साल का रखे रहें, उसे हल करें, तो उससे यह पता होता है कि हाँ, इस साल ऐसा क्वेश्चन आएगा और इस बार कौन से क्वेश्चन किस मेथड से आएंगे, ये मिल जाता। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दें, जो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा हेल्प करेगा। जिससे मॉक टेस्ट दिए रहेंगे तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा हेल्प करेगा। और सिलेबस को अपने यहाँ आप पढ़ते हैं उस पर स्टडी टेबल पे रखिए। अगर आप थोड़ा भी भटकें अपने कि हाँ ये किताब, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में मत पढ़िए, आप एक बुक लीजिए, 4-5 बार पढ़िए उसी को, रिपीट पढ़िए उसी को। और ज़्यादा आप स्टडी मटेरियल के चक्कर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए सिलेबस जब आपके पास रहेगा तो उससे आप देख के वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में रहेगा। अब सेकंड पॉइंट पे बात करें तो इंटरव्यू में जो आपका हेल्प करेगा, उसके लिए आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अगर आपको कहीं भी बोलना है, किसी के सामने बोलना है, तो बेझिझक बोलिए कि हाँ, मैं सही हूँ। उस समय जो बोल रहा हूँ उसको एक बार सोचिए कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बढ़ाएं, और कोशिश करें कि 4-5 लोगों के सामने या कहीं पब्लिक पे, प्लेस पे, स्टेज पर बोलने की कोशिश करें, जिससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है बढ़ता है। और इसमें ऐसे बोलने की डेडिंग बढ़ाए, यही सब है इंटरव्यू में जो आपको हेल्प करेगा। तो सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, तो सैलरी इसमें कोई क्लियर नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन
तो 20,000 से अबव इसमें सैलरी रहती है। और इसमें टीटी के लिए फ्रेंड्स ये प्रॉफिट है कि इसमें कुछ इनको अलग से सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है, जैसे आर्मी में अलग सी सुविधाएं हैं और यूपीएससी में आईएएस पीसीएस में अलग सी कुछ विशेष सुविधाएं हैं, वैसे इनको अलग से कुछ वरीयता दी जाती है। तो दोस्तों ये रही टीटी बनने की कम्प्लीट जानकारी, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको कुछ नॉलेज मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक जगह सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को प्रॉफिट हो सके। जब आप किसी दूसरों को प्रॉफिट दोगे तो आपको उससे दुगना प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो फ्यूचर में लाता रहूँगा, और बेल वाली आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आवर ड्रीम्स आवर गोल। धन्यवाद।